अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। मैं हूं साधी और आप देख रहे हैं साधी मुकद्दस यूट्यूब चैनल। तो आ चुके हैं गाइस आपके लिए फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो ब्लॉग जो है ना, मैंने वहीं से दोबारा स्टार्ट कर लिया है। घर हम आ चुके हैं और यहां पे हो रही है लंच की तैयारी। बच्चों को जो है ना ब्रेकफास्ट वगैरह हमने करवा दिया था। यहाँ पे हो रही है लंच की तैयारी, ब्रेकफास्ट वगैरह जो मैंने बच्चों को करवा दिया था। यहाँ पे पालक को जो है ना मैंने कर लिया है ब्लांच, और यहाँ पे कट हो रहे हैं टमाटर। और टमाटर को जो है ना मैं बारीक बारीक जो है ना वो कट कर रही हूँ। और यहाँ पे दूसरी साइड पर मैं आपको दिखा देती हूँ, पालक के साथ जो है ना वो हो रही है चिकन रेडी। पालक और चिकन जो है ना वो बन रहा है हमारा लंच में। तो बस अभी यहाँ पे लंच रेडी करते हैं। रेहान जो है ना वो आराम कर रहे हैं, तो मैंने कहा यहीं से जो है ना ब्लॉग को स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि हॉस्पिटल में इतना थक गए थे, ऊपर नीचे हो के। तो है ना मैंने सोचा कि अभी ब्लॉग को यहीं एंड कर लेते हैं, तो घर आके जो है ना मैंने यहीं से ब्लॉग दोबारा स्टार्ट किया। तो बस यहाँ पे करते हैं लंच रेडी और उसके बाद आपसे मिलते हैं। चलिए जी गाइस, पालक जो है ना हमारी 5 से 10 मिनट में जो है ना वो हो जाएगी रेडी। तो इसको मैं करके रखती हूँ कवर, ताकि ये जल्दी से जो है ना हो जाए रेडी। और ना मैं जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ रोटियाँ, क्योंकि बच्चों को देना है लंच। बच्चे जो है ना वो लंच करके जाएंगे ट्यूशन। गाइस बच्चे जो है ना वो ट्यूशन से आ चुके थे, और यहाँ पे जो है ना मुना भी अभी आके जो है ना बैठी, और मुना मुझसे मांग रही है पैसे। और मुना ये देखो जी, यहाँ पे आप ही क्या कर रही है अंदर कमरों में, कौन साइकिल चलाता है? हालत देख लो, कमरों में साइकिल भरी थी, नीचे कारपेट बिछा हुआ है, चप्पलें लेके अंदर आई हूँ। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? आपको क्या चाहिए? पैसे चाहिए आपको? हाँ। तो बच्चे जो है ना वो ट्यूशन से आ चुके हैं, तो अभी इनको देते हैं पैसे। ये चीज वगैरह लेने, क्या चीज लेकर आओगी, क्या चीज लेकर आओगी? बबल बंटी। आगे दान देखे, दान देखे कितने खराब है। बंटी जितने गंदे दिखाओ लोग डर जाएगी, लोग डर जाएंगे, लोग डर जाएंगे। अच्छा बंटी लेकर आ रही हो, ठीक है। चलो पापड़ खा लो, पापड़, ठीक है, पापड़ खा लो। क्यों, आप क्या खाओगी? अल्लाह हालत देखो, समोसे जैसे जैसे समोसा फिसकरी हो जाता, वैसी हालत समोसा। चलो सही है, मैं पैसे देती हूँ। वो कह रही मैं चॉकलेट लेकर आ रही हूँ और आप समोसा लेकर आओ, फिर दोनों पार्टी करोगे। गाइस आपको मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ। क्या बात बताऊँ? स्कूल में ना टीचर ने ना मुझे ना स्पीच के लिए सेलेक्ट किया, तो मैं रेडियो पाकिस्तान जाऊंगी स्पीच करने के लिए। तो आप सब मेरे लिए दुआ करना कि मुझे ट्रॉफी मिले। वाओ, मारिया जा रही है रेडियो पाकिस्तान स्पीच के लिए। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ठीक है मारिया, आप अच्छे से स्पीच देकर आओ। फिर आपकी जो स्पीच का वो क्लिप होंगे ना, तो वो भी जो है ना वो आपके साथ शेयर करेंगे व्यूज। तो स्पीच जो है वो क्या है, 6 नंबर पर है। अभी देती हूँ, अभी देती हूँ, बच्चे अभी देती हूँ। योम दिफा पे स्पीच, और आपकी प्रिपरेशन तैयारी कैसी है? तैयारी कैसी है आपकी? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी हो, तो क्या होगा, कब शब मिलेगा या फिर ऐसी फेल होकर आओगी? नहीं, वैसे तो मारिया कभी फेल नहीं है, मारिया हमेशा जो है ना वो क्या ये पार्टी भी भागने लग गई है, मारिया हमेशा जो है ना वो टॉप करती है। तो बस अभी इनको देते हैं यहाँ पे पैसे और ये लेकर आती है चीज, ठीक है। ओके, अब चलते हैं किचन में। तो यहाँ पे जो है ना मैंने थोड़ा सा सामान मंगवाया था, सामान जो है ना वो खत्म हो चुका था। तो मैंने जो है ना अंडे मंगवाए हैं, और साथ जो है ना वो सिवैया मंगवाई है, साथ घी मंगवाया है, और साथ चीनी और दूध मंगवाया है, साथ जो है ना मैंने पत्ती का डिब्बा मंगवाया है एक, और साथ आटा भी मंगवाया था। लेकिन आटा जो है ना मेरे ख्याल नहीं लेकर आए, क्योंकि आटा जो है ना वो खत्म हो चुका था। मारिया कह रही है कि मम्मा आटा जो है ना वो कल आएगा। जो है ना फिलहाल ड्रम्मी में जो है ना इतना ही आटा है, तो मैं एक काम करती हूँ उसको निकाल के गूंध लेती हूँ, क्योंकि रेहान ने जो है ना वो सुबह से जो है ना वो रोटी नहीं खाई हुई, तो वो जो है ना वो इस तरह पूरा दिन रोटी खाए बगैर रह नहीं सकता। तो ये है कि बस अभी जो है ना इसको गूंधती हूँ, और जो रात में ना उसको फिर पराठा और साथ चाय देती हूँ। एक्चुअली सुबह भी जो है ना उसने उधर ही कैंटीन में जो है ना जूस और जो है ना वो साथ केक खाया था, और साथ जो है ना घर आके उसने जो है ना वो आइसक्रीम और जो है ना वो जूस वगैरह मैंने उसे मिल्क शेक वगैरह बना के दिया था। लेकिन अभी जो है ना अभी फिलहाल मैं गूंध रही हूँ आटा, और आटा गूंधते हैं उसके बाद आपसे। अभी आपके सामने जो है ना वो कड़ी पत्ता निकाला आटे में से। मैं दरअसल आटे में जो है ना वो कड़ी पत्ता डाल लेती हूँ, उससे ये होता है कि आटे में जो छोटी छोटी वो हम कहते हैं ना सिकरी, हम तो सिकरी कहते हैं, लेकिन वो जो छोटा छोटा सा कीड़ा होता है ना वो नहीं लगता। तो इसलिए जब भी आटा आता है ना मैं उसमें डाल के, और साथ जो है ना 4-5 जो है ना बड़े बड़े कड़ी पत्ते के जो है ना वो डाल देती हूँ इसके अंदर, ड्रमी के अंदर ही फेंक देती हूँ। इससे ये होता है कि आपके आटे को जो है ना वो कीड़ियाँ नहीं लगती। तो यहाँ पर गूंध रही हूँ मैं आटा, तो अभी यहाँ पे गूंध रहा है आटा।
आटा गूंद चुका है और इसको कवर करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हो चुका है शाम का टाइम और यहाँ पे मारिया बना रही है फ्रेंच टोस्ट। आटा हमारा गूंद चुका है, अब इसमें जाएगा दूध और अब इसमें जाएगी चीनी और यहाँ पे हमारी जो है वो चाय रेडी हो रही है। चले मारिया वापस हो रहा है गाइस 7:15। तो गाइस यहाँ पे मैं बना रही हूँ जो है ना वो पराठा, पराठे को जो है ना मैं बल वाला जो है ना वो पराठा बना रही हूँ। तेल मैंने लगा दिया है और अब मैं इसको दे रही हूँ बल इस तरह करके। ये देखिए इस तरह करके मैं इसको सारे जो है ना वो बल देती जाऊंगी। और अभी जो है ना मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए शाम का खाना। वैसे तो पालक का जो है ना वो सालन भी है लेकिन जो है ना अभी फिलहाल जो है ना रेहान को चाहिए फ्रेंच टोस्ट और साथ पराठा। तो यहीं पे कर लेते हैं व्लॉग का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो बड़े लेवल की होने वाली है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।